जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। स्वागत करता हूं आपको मेरे एक और नए ब्लॉग में। स्वागत करता हूं आपको बिहार के दरभंगा स्टेशन से। तो आज फर्स्ट कमर्शियल रन होने वाला है अमृत भारत ट्रेन का, जो कि आम जनता की वंदे साधारण हम बोल सकते हैं। आम जनता की वंदे भारत, इसे वंदे साधारण भी बोलते हैं। इसमें ना ही चेयर कार है, ना ही एग्जीक्यूटिव क्लास है, इसमें सिर्फ स्लीपर है और जनरल है। तो फिलहाल हम आ गए हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन। एक बार मैं आपको दिखला देता हूँ दरभंगा रेलवे स्टेशन, ये देख लीजिए। और आज है डेट 1 जनवरी 2024। तो नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आपको चलते हैं अंदर लेकर और पहली वंदे साधारण का आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं और फुल जर्नी करेंगे इसमें। बाकी जानकारी अंदर चल के देते हैं। अब ये देखो, ये है दरभंगा का रेलवे स्टेशन, बिल्कुल लखनऊ वाला लुक आ रहा है। जो लखनऊ का रेलवे स्टेशन था वैसा ही यहाँ से एंट्री है, और वो अपनी वंदे भारत लेके हुए, यहाँ से दिख नहीं रही होगी। चलते हैं अंदर, और यहाँ पे अपना नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ। तो चलिए चलते हैं अंदर। चुका हूँ अमृत भारत ट्रेन के लोकोमोटिव के पास। तो चलिए आपको दिखलाते हैं कैसा क्या है लोकोमोटिव हमारा नया अमृत भारत का, देश की पहली अमृत भारत का लोकोमोटिव कैसा है। चलिए आपको भी दिखलाते हैं। रेडी, देखो भाई साहब, ये रही हमारी WAP-5 लोकोमोटिव के साथ चलने वाली है ये हमारी ट्रेन। और यहाँ पे देखिए, इस पे लिखा हुआ है अमृत भारत WAP-5। क्या लग रहा है भाई साहब, ये हो गया पायलट ट्रेन मैनेजर का केबिन। WAP-5 मैंने आपको बताया गाजियाबाद सेट का है, ये गाजियाबाद सेट का ये लोकोमोटिव है। और चलते हैं, मैं आपको आगे दिखलाता हूँ। तो फिलहाल ये है अपना कोच, आज स्लीपर कोच में हमने अपना टिकट बुक किया है S2। तो चलते हैं अंदर और आपको थोड़ा सा कोच कंपोजिशन और अंदर कोच का इंटीरियर सारा कुछ दिखलाते हैं। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा लुक है स्लीपर कोच का, आपको मैं बता दूँ। यहाँ से आप लोग एंट्री लेंगे तो ये आपका होगा यहाँ पे ट्रे टेबल, और ये जनरल वाला लुक ही है। सामने में आपको मिल जाएगा मिरर, और ये मिल जाएगा आपको अपर और लोअर के लिए चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे मोबाइल होल्डर, और यहाँ पे एक हैंगर। आपको चार्जिंग सॉकेट जो कि ये तीनों सीट के लिए मिल जाएगा। देखिए अपर सीट के लिए भी इधर चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा उस तरफ, और लोअर सीट के लिए, मिडिल सीट के लिए भी आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा बॉटल होल्डर, उस तरफ भी हैंगर, और वहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट साइड अपर के लिए। और आज मेरा सीट है साइड लोअर, तो आपको मैं दिखला देता हूँ। साइड लोअर में आपको मिल जाएगा ये आपका होल्डर हो गया, इधर भी होल्डर हो गया, और ये हो गया अपना होल्डर, ये इसको भी होल्डर ही बोलेंगे। और ये कुछ ऐसा सीट है, इसको हम लोग उठा भी सकते हैं, अभी उठाएंगे नहीं। और इधर से कुछ ऐसा लुक आ रहा है, देख लीजिए सारा सीट का यहाँ पे नंबर वंबर सब लिखा हुआ है। और तीन फैन आपको मिल जाएगा इसमें, तीन फैन। अभी मैं बता देता हूँ आपको इस ट्रेन के, अमृत भारत ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में। तो ये ट्रेन चलती है आम जनता लोगों के लिए, तो इसमें 8 जनरल की कोचे हैं और 12 स्लीपर क्लास की कोचेज हैं। 4 जनरल आगे की और 4 जनरल पीछे की ओर। और ये जो चलती है पुश पुल लोकोमोटिव के साथ, यानी आगे भी लोकोमोटिव रहेगा और पीछे भी, जैसे वंदे भारत में लोकोमोटिव रहता है वैसे ही रहेगा इसमें भी। तो आज हम इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं स्लीपर कोच में। सारा इंटीरियर तो मैंने आपको दिखा दिया, कुछ कंपोजिशन बता दिया, टाइम टेबल आपको बताऊंगा जब जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। इसका फर्स्ट कमर्शियल रन है, और यह इंडिया की पहली अमृत भारत ट्रेन है, और आज 1 जनवरी 2024 भी है। तो तीनों डेट आज मिल चुका है फर्स्ट। तो आप भी इस वीडियो को रैंक करा दीजिए फर्स्ट पे, और लाइक का बटन ठोक दीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए इस वीडियो पे कैसा लगा अभी तक का ये वीडियो। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको, मिलते हैं सीधा डिपार्चर पे। टाइम 3:30 बजे हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस डिपार्ट लेती हुई दरभंगा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये देख लीजिए हमारा डिपार्चर बिल्कुल ऑन टाइम 3 बजे हो गया। फिलहाल हमारी ट्रेन दरभंगा जंक्शन से डिपार्चर ले चुकी है, और ये देखिए यहाँ पे क्राउड देखिए भाई साहब, आज फर्स्ट कमर्शियल रन है उसका क्राउड देखिए। लोग कैमरा निकाल के इसको भी बिल्कुल वंदे भारत की तरह देखिए। और भाई साहब आपको इस ट्रेन में, स्लीपर क्लास की ट्रेन में देखो, 3 कैमरा, एक यहाँ पे कैमरा, एक हो गया यहाँ पे कैमरा, और एक हो गया यहाँ पे कैमरा, और बाकी लाइट सो लगी हुई है। और ये होगा यहाँ पे एक मिरर, और नीचे आपको पुश वाला मिल जाएगा आपको बेसिन, ये देखो आप पैर से इधर दबाओगे यहाँ पानी गिरेगा। और यहाँ पे एक सोप डिस्पेंसर भी है, और इस तरफ आपको मिल जाएगा डस्टबिन, ये देखो डस्टबिन का कुछ ऐसा हाल है। और ये हो गया फायर एक्सटिंग्विशर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी,
और भाई साहब ये वाला लुक मेरे को अच्छा लग रहा है, जो आम रेलवे के कोचेज में होता है यहाँ पे पूरा फ्लैट रहता है, लेकिन इसमें देखो ये इंटरकनेक्टेड है जैसे वंदे भारत में। ये लुक भी अच्छा आ रहा है देखने में भी और इंटरकनेक्टेड भी है इसमें। साधारण जैसे कि अमृत भारत एक्सप्रेस के वॉशरूम में कैसा है इसका वॉशरूम, क्या क्या फैसिलिटीज इस वॉशरूम में मिलती है, वो सारी चीजें मैं स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये हो गया हमारा वॉशरूम और इस साइड ये हो गया हमारा वॉशरूम, ये हो गया वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड का देखो डोर कैसे ओपन हो रहा है भाई साहब। तो सबसे पहले तो गेट को क्लोज करते हैं, ये हो गया गेट क्लोज। और ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर और यहाँ पे हो गया ये ये फ्रेग्रेंस के लिए हो गया और ये अपना तामझाम करने के लिए। और यहाँ पे फ्लस का उपयोग जरूर करें, ये देखिए फ्लस हो गया और यहाँ पे हो गया ये। और सामने की ओर आपको मिल जाएगा एक शानदार सा मिरर और नीचे भी आपको पुश करने वाला हैंड बेसिन और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा सोप। वन वर्ड में कहूँ तो वॉशरूम जैसे वंदे भारत में मैंने वॉशरूम देखा है, बिल्कुल अमृत भारत का वॉशरूम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और नीट एंड क्लीन रहेगा क्यों नहीं, बिहार वालों को लोग बोलते हैं कि नीट एंड क्लीन रहे, नीट एंड क्लीन रहे। भाई साहब आप लोगों को बोलने की वजह से नहीं होगा, लोग बिहार के लोग बहुत एक्सपर्ट है इस सब चीज़ों में, सारी ट्रेनों की तरह इस ट्रेन को गंदा नहीं करेंगे वो लोग भी। तो वॉशरूम में टॉपिक से भटक रहा हूँ, वॉशरूम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो चलिए आपको बताते हैं इसका रूट और टाइमिंग के बारे में। तो फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है दरभंगा से, तो मैं आपको स्टॉपेज के बारे में बताता हूँ क्या क्या स्टॉपेज होने वाला है। तो दरभंगा से निकलने के बाद हमारा सीधा स्टॉप होगा 25 किलोमीटर बाद कमतौल, उसके बाद जनकपुर, जनकपुर के बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद आपका हो जाएगा बैरगनिया, बैरगनिया के बाद रक्सौल, रक्सौल के बाद नरकटियागंज और ऐसे होते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे गोरखपुर और अगले दिन अयोध्या पहुँचेंगे हम लोग रात के 2 बजे और लखनऊ होते हुए हम लोग सुबह के 12:30 बजे पहुँचेंगे आनंद विहार टर्मिनल। तो यही कुछ ऐसा रूट है इसका, बहुत ही सुंदर और कर्व वाला रूट होने वाला है, तो सारा कर्व का मैं आपको क्लिप डाल दूंगा। यही था कुछ ऐसा रूट, तो आगे का क्लिप आप लोग एंजॉय कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। करूँ कमतौल रेलवे स्टेशन के बारे में, तो हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था 3:21, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है 20 मिनट के डिले के साथ। पहला कमर्शियल ट्रेन है और 20 मिनट डिले भी हो चुका है, तो यही है कुछ ऐसा। और भाई साहब क्या लग रहा है देखने से, और यहाँ पे सिर्फ इस ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है भाई साहब, इसका ध्यान रखिएगा, छोटा सा स्टेशन है, रश तो होगा ही। तो चलिए छोटा सा पहला हॉल्ट था, अब इसके बाद यहाँ से दिखलाते हैं आपको डिपार्चर। तो फिलहाल ये देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे, बहुत रश हो गया था, बहुत ज्यादा ही रश हो गया था और ट्रेन का सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट था, ज्यादा देर रुकी नहीं। और ये भीड़ देखिए भाई साहब बहुत जल्दी, जय श्री राम। आप अमृत भारत का कलर देख लीजिए और भैया लोग का ड्रेस कोड देख लीजिए, आप लोग ISATC से है ना? हाँ। तो पानी का बोतल कितने में बेच रहे हैं, 20 का है कि 15 का है? 15 का ना। चलिए ठीक है, ऑलराइट। बड़ा नॉर्मल और भीड़ तो वैसे ही है। भीड़ देखो भाई साहब, एक बार भीड़, सब दिल्ली जाने की भीड़ है। ओ भाई साहब, फिलहाल हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जनकपुर रोड पे। यहां पर अमृत भारत एक्सप्रेस का पहुंचने का टाइम था 3:45, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुंची है 15 मिनट के डिले के साथ। वैसे बात करूँ जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन के बारे में, तो ये आता है समस्तीपुर डिवीजन में और यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म का हाल मैं आपको दिखलाता हूँ कैसा है, बाकी यहाँ पर प्लेटफॉर्म का हाल मैं आपको दिखला ही देता हूँ। ये देखो अभी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए आपको दिखलाते हैं यहाँ से डिपार्चर, और बहुत ज्यादा ही रश था यहाँ पे, मैंने आपको रश दिखलाया है, देख लो।
गजब का भीड़ है, गजब का। बात करूं जनकपुर रोड के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, तो यहां से नेपाल की दूरी बस लगभग 1 किलोमीटर है, मतलब बॉर्डर यहीं से टच है नेपाल का बॉर्डर। तो फिलहाल हम लोग अभी इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब, भिट्टा बॉर्डर मतलब यहां पे भिट्टा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। हमारी अमृत बाला ट्रेन पहुंच चुकी है सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है S5, और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और बात करूं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के बारे में, तो यह आता है समस्तीपुर जोन में और ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। यहां से भी बहुत सारी लाइन है, जैसे जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं वो वाली, और एक लाइन जाती है यहां से आनंद विहार के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है दिल्ली वाले रूट के लिए। और ये देख सकते हैं आप भीड़, प्रचंड भीड़ है भाई साहब, गजब का भीड़। और यहां पे हमारे एसी भी है, देख लो ऐसे पैक हो चुका है। बाकी आप लोग देख रहे हैं हमारा ट्रेन जो है पूरा पैक हो चुका है भाई साहब। अपना सीट तो ये रहा, लेकिन देखो भाई साहब क्या ही माहौल बना हुआ है। पहले ही दिन पूरा ट्रेन जो है पैक चल रहा है। दरभंगा से 3 बजे खुले ले, हाँ 3 बजे खुली, या कल 12:30 बजे दिल्ली पहुँचाई। अभी दिल्ली जाएगा आनंद विहार, रक्सौल रूट, रक्सौल वाला, हाँ पटना नहीं जाएगा। तो फिलहाल यही कुछ इन्फॉर्मेशन था जो लोगों तक पहुंचाना है हमें। सीतामढ़ी से हमारा डिपार्चर भी हो चुका है। गाइस, तो करीब दरभंगा से हम लोग पहुंच चुके हैं रक्सौल, जिसका स्टेशन कोड है RXL। और हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस का रक्सौल में पहुंचने का टाइम था 6:25, और हमारी अमृत भारत ट्रेन पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। तो आप इसे इसकी पंक्चुअलिटी का पता लगा सकते हैं बिल्कुल। पहले तो 20 मिनट लेट थी, लेकिन अब बिल्कुल ये ऑन टाइम हो चुकी है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन को लगाया गया है। और रात के टाइम पे लुक देख लो भाई साहब रक्सौल। और बात करूँ रक्सौल रेलवे स्टेशन के बारे में, तो ये आता है समस्तीपुर जोन में और ये कंट्रोल होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा। तो यही कुछ छोटा मोटा जानकारी था यहाँ के लिए। यहाँ से बहुत सारी लाइन गई है, जैसे 2 लाइन गई है, एक नई दिल्ली के लिए और एक लाइन हम जिससे आ रहे हैं दरभंगा से। तो ये था कुछ छोटा मोटा जानकारी। तो फिलहाल हमारी ट्रेन का सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर। हो गया जर्नी सिर्फ रक्सौल तक, रक्सौल तक। चलिए हैप्पी जर्नी। मुंबई तो आ रहे हैं, आनंद यार तो वंदे भारत में गए थे ना, तो थोड़ा सा रात। भाई अभी व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ज्यादा देर होल्ड नहीं है, सिर्फ का 7-2 मिनट होल्ट है। दिखलाते हैं आपको यहाँ से डिपार्चर। रक्सौल से 5 मिनट की होल्ट के बाद हमारा रक्सौल से डिपार्चर होता है। एंजॉय कीजिए डिपार्चर। फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बगहा रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार का लास्ट रेलवे स्टेशन होने वाला है, और इसके बाद हम लोग इंटर हो जाएंगे यूपी में। और बगहा रेलवे स्टेशन पे हमारे एक और भाई जुड़े हैं हमारे साथ, हेलो बोल दीजिए। और ये भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, और ये भाई लोग हमारे लिए लाए हैं क्या बोलते हैं, कचरी और चटनी। खाया आपने? हाँ मैंने टेस्ट किया, तुम टेस्ट करो कैसा टेस्ट करते हैं। और अभी हमारी ट्रेन रुकी है बगहा रेलवे स्टेशन पर।
प्लान तो अभी करने को कुछ है नहीं। बागा पे अपनी स्टेशन मतलब स्टेशन पे अपनी ट्रेन रुकी हुई है और लगभग रात के 11 बजे आएगा गोरखपुर। तो अभी थोड़ा सा लेते हैं एक पावर नैप और रात के 11 बजे आपको दिखलाएंगे गोरखपुर। तो फिलहाल अपनी जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली है गोरखपुर जंक्शन और माहौल देख लो भाई साहब पूरा धुंध वाला हो चुका है। देख लो भाई हाथ कब कपा रहे हैं और इस तरफ शायद लगी है गोरखपुर से लोकमान्य तिलक जाने वाली खुशी एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गोरखपुर जंक्शन। तो करीब हमने दरभंगा से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और रात के बज रहे हैं 11:10। हमारी ट्रेन का यहाँ पे पहुंचने का टाइम था 11:10 और बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन यहाँ पर आएगी। ठंड बहुत ज्यादा है तो चलते हैं अंदर, बस इतना ही करना था और नींद आ रहा है हमें तो ज्यादा देर बाहर रहेंगे नहीं क्योंकि ठंडी लग रही है भाई साहब ठंडी लग रही है। The next morning. तो सुबह के करीब 7 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच गई है कानपुर रेलवे स्टेशन। और गाइस तो अपने जो अमृत भारत ट्रेन है वो पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल, अपने इंडिया के सेंट्रल रेलवे स्टेशनों के मेजर रेलवे स्टेशन यानी कानपुर। हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस का यहाँ पहुंचने का टाइम था 7:04, हमारी ट्रेन पहुंची यहाँ पे 7:09। सिर्फ 4 मिनट का डिले है, कोई डिले नहीं कराता है 4 मिनट का डिले, मेकअप हो जाएगा। और फॉग भाई साहब फॉग बहुत ज्यादा था और सामने से निकल रही है रीवा एक्सप्रेस रीवा के लिए। और ये देख लीजिए कानपुर रेलवे स्टेशन, मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे और जो भी लोग कानपुर से देख रहे हैं उनको हाय हेलो सभी को नमस्कार। थोड़ा सा यहाँ पे चाय पानी पीते हैं, थोड़ा सा गर्म चाय पीते हैं उसके बाद देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है तो भाई साहब देख लो यहाँ पे लगी हुई अपनी अमृत भारत, देखो ये चलते हैं थोड़ा चाय पानी लेते हैं उसके बाद आज सुबह की शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस डिपार्ट लेती हुई कानपुर सेंट्रल से, प्लेटफॉर्म नंबर शायद 3 पे हमें लगाया गया था। और ये देखिए कानपुर से निकलने के बाद हमें बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेनों का क्रॉसिंग मिलेगा, उसमें शामिल है न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत भी। तो आपको तो आज ऐसा क्लिप दिखलाऊंगा ना मैं, आप देखते रहिएगा सुबह सुबह का हाई स्पीड क्रॉसिंग भाई साहब 130 फ्लैश 130। अब जो हमारी ट्रेन है बिल्कुल 130 पे चलेगी वो मैक्सिमम स्पीड पे न्यू दिल्ली तक। तो फिलहाल जो अपनी ट्रेन है 130 के स्पीड को क्रॉस कर चुकी है 130 के स्पीड को। तो सुबह सुबह करीब 8 बज रहे हैं और सुबह सुबह आपको इस ट्रेन में साइड पेंट्री की हेल्प से ये वेफर्स मिल जाएगा। और देखिए भाई साहब क्या ड्रेस कोड है इनके साथ, बिस्किट मिल जाएगा आपको, वेफर्स मिल जाएगा, लोग खरीद भी रहे हैं भाई साहब और यही मेंटेन रहा तो एक नंबर। फिलहाल अभी हमारी अमृत भारत ट्रेन यानी वंदे साधारण का क्रॉसिंग होगा वंदे भारत से जो कि दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। तो पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस से क्रॉसिंग लेगी तो इस व्यू का आप लोग एंजॉय लीजिए। फिलहाल अपनी जो ट्रेन है अमृत भारत अलीगढ़ जंक्शन में अराइवल ले रही है भाई साहब।
फिलहाल जो अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस है पहुंच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन। लगभग हमने 1020 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और हमारी यहाँ अमृत भारत ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 10:35 पर और हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुंची है आधे घंटे के डिले के साथ। एक्सप्रेस भाई साहब और यहाँ पे हमारे ऋषि भैया डिबोट कर रहे हैं। तो भैया यही था, यही तक सफर रहा। हेलो बताइए कैसा रहा जर्नी तो अच्छा रहा, बाकी तुम्हें कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ट्रेन है और बस थोड़ा सा जो मैंने दिखाया पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, जो बेसिन है ना थोड़ा बड़ा होता है सही रहता, बाकी ट्रेन अच्छी है ना, ट्रेन जबरदस्त है। पंक्चुअलिटी के बारे में, टाइम तो पंक्चुअल है भाई, यहाँ पे कितना लेट आई है? आधा घंटा लेट है अभी तो राजधानी लेट चल रही है यार, ये सब जो बंदे अभी वहां तक ऑन टाइम चल रही है, बताओ ठीक है। चलो बाकी ट्रेन गाजियाबाद को स्किप कर रही है, कुछ ही मिनट में हमारी ट्रेन अराइव होगी आनंद विहार टर्मिनल। पहले से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे भाई बोलो उद्घाटन के लिए देखो कितना लोग आया भाई, लगा रहे आओ दोनों तो जी निर्धारित समय से 15 मिनट डिले के साथ पहुंच गए फाइनल डेस्टिनेशन और अपनी दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। अब सामने की ओर लगी है विक्रमशिला एक्सप्रेस, आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस और भाई यहाँ देखिए रेलवे स्टाफ तो फाइनली हमने 1138 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली के। ये दिल्ली में ही आता है और देखिए ये रहा अपना W85 लोकोमोटिव जो कि पुष्पुल लोकोमोटिव पीछे चला था। तो आपको ये जर्नी कैसी लगी और वाशरूम का कंडीशन बता दूं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, लेकिन जो एक कंप्लेन था जो बेसिन का जो है ना एरिया वो थोड़ा सा छोटा है, उसे बड़ा करने के लिए पैसेंजर बोल रहे थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उस समय, लेकिन पैसेंजर का ये कंप्लेन था कि जो बेसिन का जो एरिया है ना वो छोटा है। बाकी जर्नी अपनी एकदम स्मूथ रही, पता ही नहीं चला, रात में नींद भी अच्छा आया। और ये भाई अमृत भारत, एक हो गई अमृत भारत, एक हो गई वंदे भारत और एक हो गई नमो भारत, ये तीनों मैं कवर कर चुका हूँ और नमो भारत का वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े तो नीचे ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखा होगा, इसे क्लिक करके बन जाओ इस फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।